जैसे कि आप जानते हैं कि आज हिंदू पंचांग की बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और आज ही के दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, जिसके चलते पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ने भगवान परशुराम जी की जयंती ना मनाकर उनका जन्मोत्सव मनाया है और देश भर के सभी लोगों से निवेदन किया है कि वह भी जन्मोत्सव ही मनाएं, क्योंकि भगवान परशुराम महाबली बजरंग बली की तरह जीवित अवस्था में हैं और जीवित भगवान परशुराम जी की हम लोग जयंती नहीं मना सकते। इसलिए आज ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया। साथ ही आपको बताते चले कि इसी तिथि पर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया भी जाता है। इस बार 3 मई 2022 को भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रमेश किचलू और फाउंडर सुखबीर शर्मा ने हवन पूजन कर विधि विधान के साथ भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन से की गई, जिसमें ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और सबसे बड़ी बात वाल्मीकि समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग भी मौजूद रहे। इसी बीच एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इसी बीच कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को लेकर बातचीत की गई और अब्दुल्ला व उनके परिवार को सजा दिलाने की मांग की गई। कार्यक्रम में BOI की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिनके बारे में BOI के IT सेल पीयूष कुमार ने इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दी। एक ही उद्देश्य है हमारा कि पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए, विश्व शांति के लिए हमने ये यज्ञ किया है और ख़ास तौर से हमारे जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में तकलीफ पा रहे हैं अभी तक, उनका पुनर्वासन दोबारा से हो, अपने घर जाएं और कश्मीर में शांति हो। और जिन लोगों ने हमारी इस कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, वो दुराचार अत्याचार और मर्डर और बलात्कार जो केसेस हुए हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो भगवान से हमने प्रार्थना की कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पूरे देश के अंदर जो भी हमारे अदर कास्ट के लोग, अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके कल्याण की कामना प्रभु श्री परशुराम जी से हम लोगों ने किया है। वेबसाइट तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिले और फेयर बच्चे जो फेयर डील जो शादी में ब्लड को बचाने के लिए हमने कोशिश किया है कि हमारे जो शादी लायक बच्चे लड़के लड़कियां हैं उनको एक प्रॉपर मैच मिल जाए और वो कोई दूसरी धर्म जाति और विशेष के लोग उनको बरगला ना पाएँ और जिस तरीके से जो भी वर्ण व्यवस्था है हम वो ठीक से चले। और हम तो यही चाहते हैं हर जाति का आदमी अपनी जाति में शादी करे और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमको ब्लड को बचाना है। ब्लड को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हर ब्राह्मण को अपनी कम्युनिटी में शादी करना चाहिए। हाँ, अब हम कश्मीर में, क्योंकि अब एक छोटी सी बात आई कश्मीर फाइल की, इसमें लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए कश्मीर के इशू पे, वो तो कुछ दिखाया ही नहीं है। हमारे अध्यक्ष हैं कश्मीर से हैं, आपने देखा कश्मीर से भी लोग आए, कश्मीरी पंडित हैं, तो इनकी दशा, क्योंकि हम वहाँ काम कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी समय से हम कश्मीर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ कश्मीर पंडितों की बहुत बुरी हालत है। अभी भी हम चाहते हैं कि उनका जो हक है वो मिले, अपने अपने घरों में वो जाएं। और जिन लोगों ने, जैसे फारूक अब्दुल्ला की बात आई, JKL फारूक अब्दुल्ला ने बनाया, जब उसको बनाने वाला फारूक अब्दुल्ला है और जब वहाँ कत्लेआम हो रहा है, वो लंदन भाग रहा है, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या मिलेगा जी? तो सरकार को उसको उठा करके अंदर ठोकना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। आप समझिए ना बात को। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक अप्रोच और राजनीतिक सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। वो हमारे परिवार का बच्चा है अग्निहोत्री, वो भी एक ब्राह्मण बच्चा है, उसने ब्राह्मणों के अपने कुल के अपने ब्लड के दर्द को समझा और उन्होंने उसको फिल्म को बनाने की कोशिश की है। वो तो 1% ही दिखा पाए, बाकी तो सब सेंसर बोर्ड ने काट दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है। केजरीवाल को मैं कोई इंसान नहीं मानता हूँ। आप ये बताइए, ब्राह्मण और गऊ, तुलसी, इसको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, ब्रह्म हत्या। परशुराम जी का कहना है कि पीस शुड बी टॉट अराउंड द वर्ल्ड। आप समझिए सर, हम उनके फरिश्ते थे, भगवान जी खुद, और जो ये स्थिति बन रही है, मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ, सुनिए, एक ही शब्द बोलता हूँ मैं। रोहतक में मैंने बोला था ये प्लेग कश्मीर से फैल गया और ये केरला, बंगाल,
उड़ीसा तमिलनाडु में फैल रहा है, ये अनक्यूरेबल कैंसर है। अगर इसका दवाई नहीं होगा तो ये फैल जाएगा। वन फाइन मॉर्निंग ब्राह्मण हो या कोई भी हिंदू जाति हो, उसके लिए बहुत तकलीफ दायक है। मीडिया से रूबरू होकर बीओआई के फाउंडर सुखबीर शर्मा ने कहा कि इस बार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव हमने दिल्ली में मनाया है, अगली बार हम कश्मीर में भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव मनाएंगे। और उन्होंने कहा अब्दुल्ला और उनके परिवार को सजा दिलाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, और जब तक अब्दुल्ला और उनके परिवार को सजा नहीं हो जाती तब तक हमारा हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। इसी बीच दिल्ली में भगवान श्री परशुराम जी का भव्य मंदिर बनवाने का भी प्रण लिया और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। हम तो ये कहें कि ये संकल्पना ही संपूर्ण क्रांति की तरफ ले जाना है। आज पूरे समाज में जो विकृतियाँ आ रही हैं, आज हम लोग जब परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे तो हमको लग रहा था कि पुरातन काल में जो परंपरा थी, व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं जहाँ की हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ हो, जहाँ की ये शादी विवाह का जो कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन था, संस्थान था, जो बिखरता जा रहा है उस पर भी उन्होंने जोर दिया। और परशुराम जी के विचार बताए हुए रास्ते पर कैसे शांति स्थापना की जा सकती है, कैसे भाईचारा बढ़ाया जा सकता है, कैसे अत्याचार को रोका जा सकता है, कैसे ज्यादति को और बल प्रयोग को रोक करके कैसे ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान दिलाया कि याचक से अयाचक बना दिया। उन्होंने पूरे भूमि को ब्राह्मणों में बांट दिया कि आज तक तुम मांगते रहे हो। शर्मा जी ने कहा कि लेना चाहते ब्राह्मण, नहीं, ब्राह्मण तब देने लगा है। आज जितना भी खेती करने वाले अयाचक ब्राह्मण हैं ये परशुराम जी की देन है। ये पूरे भारत में उन्होंने जितनी भी जमीन जीता लड़ करके, उस लड़ करके जमीन को ब्राह्मणों में दान कर दिया। वही ब्राह्मण अयाचक ब्राह्मण, अयाचक मतलब जो मांगते नहीं हैं बल्कि देते हैं, भूमि का सेवा करते हैं, उसीलिए उनको भूमिहार ब्राह्मण भी कहा गया कि भूमि का जो सेवा करने वाला ब्राह्मण है वो अयाचक ब्राह्मण है, जो कि अन्न उपजाता है और सबको खिलाता है, पूरे देश को खिलाता है। अच्छा लगा आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर जो यहाँ से हमारा रेजोल्यूशन एक पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन के माध्यम से एक प्रॉपर और क्लियर मैसेज यहाँ से पूरे देश में आज चली जाएगी, आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से वो मैसेज पूरे देश में घूमेगी कि हम लोगों ने आज संकल्प लिया है, जो जम्मू कश्मीर विस्थापित हो गए 1889 जहाँ वो राजीव फारूक अकार्ड का जो वहाँ पर इलेक्शन के टाइम के बाद में जितने कश्मीरी पंडित विस्थापित भाई वहाँ से हो गए, 4.5-5 लाख पूरे देश में बेचारे एक साइड से भटक रहे हैं, अभी तक उनका कहीं पर भी रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। उसका अगर कसूरवार उस वक्त का डॉक्टर फारूक साहब थे जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो सबको छोड़कर उठ के चले गए, भाग गए लंदन, तो हम चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट में कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए। तो वही कार्रवाई के लिए आज हमारे यहाँ से भगवान परशुराम के यहाँ से आज हमारे जन्म उत्सव पर ये मैसेज चली गई कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, उनके अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए हम पूरे देश में एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जो पूरी सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से उनके अगेंस्ट में जितने भी केसेस हैं वो केसेस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को वहाँ मारना स्टार्ट कर दिया। और जम्मू कश्मीर का लिबरेशन फ्रंट का जो फाउंडर मेंबर था, फाउंडर चेयरमैन था, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, तो इसलिए उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जब उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी तो देश में और भी कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्टेट में कोई इस चीज़ की हिम्मत नहीं करेगा कि किसी को अपने घर परिवार से बाहर निकालने का काम करेगा, जो वो भी वो लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।